हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट ग्राफ थ्योरी की सीरीज में अगला टॉपिक है वॉक वॉक क्या होता है वॉक इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस बिगिनिंग एंड एंडिंग विद वर्टिसेस सच दैट ईच एज इज इंसिडेंट विद द वर्टिसेस प्रिसडिंग एंड फॉलोइंग इट इसमें यह कहा जाता है कि वॉक एक ग्राफ में तब अपीयर होगी जब हमारी हाँ जब हम ट्रैवल्स करें उसे और ट्रैवल्स करते टाइम कोई भी एज जो हो वो एक बार से ज़्यादा अपेयर ना हो लेकिन वर्टेक्स जो है वो एक से ज़्यादा बार अपेयर हो सकती है जब भी हम ट्रे और एक से और एक वर्टेक्स के बाद फिर एज फिर वर्टेक्स फिर एज फिर वर्टेक्स फिर एज ऐसे अल्टरनेट आने चाहिए ठीक है तो ये हमारा होता है वॉक क्या होता है फिर से पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी ग्राफ को ट्रैवल्स करें तो कोई भी एज जैसे ए बी है हमारी एज है वो ट्रैवर्स करते टाइम हमारी दोबारा नहीं आनी चाहिए ठीक है एक ही बार होनी चाहिए और ज और वर्टिस जो है जैसे ए बी डी ई सी ये एक से ज़्यादा बार आ सकती है तो सिंपल डेफिनेशन में ये होती है हमारी वॉक और वॉक का ये है कि वॉक कई बुकों में आपको एज ट्रेन और चेन के नाम से भी जाना जाएगा मतलब कई पब्लिशर्स ने कई राइटर ने इसे इस नाम से भी रखा है तो आप कंफ्यूज मत होना ठीक है अब आता है क्लोज वॉक क्लोज वॉक क्या होता है व्हेन अ वॉक बिगिंस एंड एंड विद द सेम वर्टेक्स इट इज़ कॉल्ड क्लोज वॉक ठीक है अगर सपोज ए बी सी ठीक है अगर हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग करना ए से बी बी से सी और सी से ए तो दोबारा जब वर्टिसेस ए से लेके ए पे आ जाए तो उसे हम क्लोज वॉक कहते हैं ठीक है फिर आता है थर्ड हमारा पाथ पाथ देखते हैं क्या होता है पाथ एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस इज कॉल्ड पाथ इसमें बात की गई है ओपन वॉक की सबसे हमने पढ़ा था अभी क्लोज वॉक क्या होती है ओपन वॉक ये होती है क्लोज वॉक में क्या बोला है? कि वेन अ वॉक बिगिन एंड एंड विद द सेम वर्टेक्स इट इज़ कॉल्ड क्लोज वॉक लेकिन ओपन वॉक में ऐसा नहीं होगा आप एक वर्टेक्स से बिगिन तो कर सकते हो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दूसरे वर्टेक्स पे मतलब उसी सेम वर्टेक्स पे ख़त्म हो तो ये ओपन वॉक होगा एग्जांपल देख लेते हैं सपोज ये था हमारा ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई तक तो ओपन वॉक क्या हुआ जैसे ए बी सी हमने ट्रेवल्स करा ए से लेके बी बी से लेके सी तो ये ए बी सी एक ओपन वॉक हो गया ठीक है और यही हम ए बी सी से ए दोबारा आते तो ये क्लोज वॉक हो जाती तो जो पाथ है वो ओपन वॉक पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है क्या रेस्ट्रिक्शन लगाता है एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपेयर मोर देन वंस इज कॉल्ड ओपन कॉल्ड पाथ ठीक है कोई भी एक ओपन वॉक है जिसमें उसकी जो वर्टेक्स है वो एक से ज़्यादा बार अपेयर नहीं होनी चाहिए तो उसे हम पाथ कहते हैं अब ये जो हमारे एग्जाम्पल है इसको हम वॉक uh, और पाथ के उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी मेरे पे कुछ क्वेश्चंस हैं कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें लाई like कर रहे हैं तो ये रहे हम पे तीन तीन ट्रेवल्सिंग है हमारी ठीक है ए टू फाइव ए टू बी फाइव एट डी एट ई तो एक एक करके देखते हैं ट्रेवल्स करके कि ये वॉक है या पाथ है पहले ए टू बी फाइव डी एट ई ए टू बी फाइव डी एट ई ये हमारा जो है वॉक है वॉक क्यों है क्योंकि ये हमारी वॉक की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि इसके अल्टरनेटिंग में एक एज और एक मतलब एक वर्टेसेस फिर एज फिर वर्टेसेस फिर एज फिर वर्टेसेस फिर एज फिर वर्टेसेस आए और एक ये ओपन वॉक है ओपन वॉक क्यों है क्योंकि ये जिस वर्टेसेस से स्टार्ट कर रहा है उस वर्टिस पे ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये वॉक है हमारा ठीक है और क्या ये पाथ है तो पाथ की क्या डेफिनेशन थी एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपेयर मोर देन वंस कोई भी वर्टेक्स कोई भी वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार अपेयर नहीं होने चाहिए तो और ये इसका और ये नहीं कि सारे ही वर्टेक्स आने चाहिए ग्राफ के कम भी आ सकते हैं जैसे कि इसमें हो रहा है इसमें क्या हो रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है डी आ रहा है और ई e आ रहा है सी नहीं आ रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन ए बी डी और ई e में से दोबारा कोई रिपीट नहीं हो रहा तो ये हमारा पाथ भी है ठीक है दूसरा देखते हैं ए टू बी सिक्स ई एट डी फाइव बी फोर सी ठीक है ये ट्रेवल्सिंग में एक चीज़ की दिक्कत है दिक्कत यह है कि जो बी वर्टेक्स है बी ये दो बार आ रही है तो दो बार आ रही है तो ये पाथ तो नहीं हो सकती लेकिन वॉक हो सकती है वॉक क्यों हो सकती है क्योंकि वॉक में कोई भी एज जो है हमारी वो एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए लेकिन वर्टेक्स हमारी एक से ज़्यादा बार आ सकती है तो इसमें हमारी कोई भी एज देख लीजिए एज है हमारी आ, टू सिक्स फाइव एंड फोर ये सारी अलग अलग एजेस हैं तो ये हमारी दोबारा नहीं एक भी रिपीट नहीं हुई तो ये हमारा एक वैलिड वॉक है ठीक है अब तीसरा आता है हमारा ए थ्री सी सेवन ई फिर क्या है ई e, बी और फिर से बी दो बार बी तो ये हमारी न वॉक होगी और नहीं क्या होगी पाथ होगी क्योंकि इसमें हमारी दो बार वर्टिसेस जो है वो रिपीट कर रही हैं ठीक है दो बार वर्डिस रिपीट कर रही हैं तो यह हमारी वैलिड बात तो नहीं हो सकती ठीक है बी बी फिर उसके बाद क्या है फोर सी देखिए सी दोबारा सी भी दोबारा रिपीट कर रही है फिर सेवन 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 हमारे यहाँ भी मिल रखा है एच और यहाँ भी मिल रखा है एच तो वॉक की डेफिनेशन में क्या आता एच एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकती तो ये वैलिड पाथ भी नहीं है और ये वैलिड वॉक भी नहीं है तो ये था हमारा वॉक ओपन वॉक क्लोज वॉट और पाथ आई होप आपको ये समझ में आया होगा नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डाउट दोबारा पूछिए वीडियो को दोबारा देखिए और अगर पसंद आई हो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो को लाइक करें टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर